हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय कुकिंग चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे मालपुए। तो आटे के मालपुए बनाएंगे बिना चाशनी के, बिना चीनी के। बहुत ही ज़्यादा अच्छे हमारे मालपुए बन कर के तैयार होंगे और ये मालपुए खाने में भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेंगे। तो आप एक बार इस वीडियो को बना करके ज़रूर देखना, वीडियो को पूरा अच्छे से देखना, तभी आपके रेसिपी ये अच्छे से समझ में आएगी। तो देखिए, यहाँ मालपुए बनाने के लिए हमने लिया है 1 कटोरी आटा। आप चाहे तो इसको मैदे से भी बना सकते हैं, वैसे मालपुए मैदे से भी बनते हैं और सूजी से भी बनते हैं, तो जैसा भी आप चाहे वैसे इसको बना सकते हैं। लेकिन इसमें आपको चाशनी बिल्कुल नहीं बनानी पड़ेगी, तो बिल्कुल आसान सी रेसिपी है फ्रेंड्स। चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो 1 कटोरी लिया है हमने यह आटा, जिससे हम रोटी या चपाती बनाते हैं वही हमने ये आटा लिया है। तो चलिए आटे को आटे को हमें बाद में डालना है, आटा यहाँ हम इसमें बाद में डालेंगे। अभी आटे को साइड में रखते हैं और आपको दिखाते हैं कि आज हम मतलब चाशनी से नहीं बना रहे और चीनी से भी नहीं बना रहे, तो फिर किस चीज़ से ये मालपुए बनने वाले हैं। तो ये मालपुए बनने वाले हैं आज हम बनाएंगे गुड़ से। तो देखिए, ये बहुत अच्छा गुड़ है, मार्केट में मतलब बहुत ही अच्छा गुड़ मिलता है, तो वही आपको लेना है। तो देखिए, इस गुड़ को आप चाकू से देखिए इस तरह से क्रश करेंगे, तो देखिए ये बिल्कुल आसानी से देखिए कितने अच्छे से हो रहा है, बिल्कुल भी कड़क वाला गुड़ नहीं है ये। ये देखिए, इस तरीके से आप करेंगे तो इसका देखिए बिल्कुल बारीक सा देखिए ये इसका बुरादा सा बन जाएगा और इसको मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको पिघलाने में, बहुत ही अच्छे से पिघल भी जाएगा। तो इस तरीके से कट करते हुए आपको सारे गुड़ को तैयार कर लेना है। तो आधा गुड़ हमने पहले ही तैयार करके रख लिया था क्योंकि वीडियो फिर ज़्यादा लंबा हो जाता है, तो इसीलिए आधे से प्रोसेस हम पहले ही करके रख लेते हैं। तो ये गुड़ हमारा तैयार हो चुका है। तो मीठा आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, मतलब किसी को मीठा ज़्यादा भी खाना पसंद रहता है और किसी को मीठा कम भी खाना पसंद रहता है। तो यह मीठा हम थोड़ा सा ज़्यादा ही डालेंगे क्योंकि बच्चों को ज़्यादा मीठा ही पसंद रहता है। तो चलिए अब इसको हम बनाना शुरू करते हैं। तो एक हम लेना आपको एक बड़ा सा बर्तन, मतलब कोई भी जो भी आपके पास हो उसमें डाल देना आपको ये गुड़। तो आपको हमने पहले ही बताया था कि हम थोड़े मीठे ही मालपुए बना करके तैयार करेंगे। तो मतलब अगर आपको थोड़ा कम मीठा पसंद है तो आप जैसे कि 1 कटोरी आटा ले रहे हैं तो मतलब इस तरीके से क्रश करके, मतलब इस तरीके से आपको गुड़ को बारीक बारीक चाकू से कर लेना है। उसके बाद आप मतलब यहाँ हमने 1 कटोरी आटा लिया है तो आप 1 कटोरी से थोड़ा कम गुड़ ले सकते हैं, मतलब आधी कटोरी ले सकते हैं अगर आपको मीठा कम पसंद है तो। अब इसमें डालना है हमें यह दूध। तो गुड़ हमारा अच्छे से डूब जाए उतना हमें इसमें गुड़ मतलब दूध ऐड करना है। तो गुड़ और दूध को अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो पहले गुड़ को इसमें हमें अच्छे से दूध में मिक्स कर लेना है। तो फ्रेंड्स, ये आप पानी से भी बना सकते हैं लेकिन अगर दूध से बनाएंगे तो और भी ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो गुड़ को हमने पहले ही अच्छे से क्रश कर लिया था तो इसलिए इसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा फ्रेंड्स, ये बहुत ही जल्दी से मेल्ट हो जाएगा दूध के अंदर और गुड़ के मालपुए बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं खाने में फ्रेंड्स। अगर आपने कभी भी ट्राई नहीं किया और कभी नहीं खाए तो एक बार ज़रूर इस तरीके से बना करके देखना, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा आपको भी। तो इस तरह से करते हुए आपको इसमें अच्छे से गुड़ को मिक्स कर लेना है दूध में। वैसे आप हाथ से करेंगे तो ये और भी ज़्यादा जल्दी अच्छे से हो जाएगा, लेकिन हमें ऐसी पहले हम हाथ को अच्छे से धो लेते हैं उसके बाद हम हाथ से इसको अच्छे से मिक्स करेंगे तो हाथ से थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा मिक्स ये। तो यह देखिए दोस्तों, हमने हाथ को अच्छे से धो करके साफ कर लिया, वैसे हाथ हमारे साफ ही थे लेकिन फिर भी हमने दोबारा अच्छे से धो लिया था। देखिए इस तरीके से हाथ से देखिए इसको अच्छे से मेल्ट कर लेना आपको, देखिए इस तरीके से, तो आपका काम थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा, मतलब ज़्यादा समय के लिए आपको इसको मिक्स नहीं करना पड़ेगा। तो देखिए दूध का कलर देख सकते हैं आप किस तरह से हो गया है। तो गुड़ है तो गुड़ का तो मतलब कलर अपना एक अलग ही रहता है, तो गुड़ गुड़ से बनाएंगे तो थोड़ा सा मालपुए में थोड़ा सा कलर चेंज आएगा, लेकिन जब लास्ट में आप बनाएंगे उसके बाद इसका कलर बिल्कुल भी नहीं दिखेगा इसमें। तो देखिए यहाँ धीरे धीरे हमने सारे गुड़ को इसमें अच्छे से दूध में मिक्स कर लिया फ्रेंड्स।
तो देखिए सारा मतलब गुड़ अच्छे से हमने यहाँ मिक्स कर लिया है। तो यहाँ आप क्या करना है, अब इसमें डालना है हमें ये आटा। तो यहाँ हमारे पास है एक कटोरी आटा, तो पहले हम आधा आटा डाल देते, आधा कटोरी का आटा हमने इसमें डाल दिया और उसके बाद हमें मिक्स कर लेना आटे को। तो थोड़ा थोड़ा डालेंगे तो थोड़ा काम आपका थोड़ा अच्छे से हो जाएगा। तो जो बचा है उसको भी हम इसमें डाल देते हैं। अगर आपको जरूरत लगे तो आप इसमें और भी आटा डाल सकते हैं। लेकिन हमारा काम इसी में हो जाएगा, एक कटोरी आटे में। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, इसको अच्छे से मिक्स कर लेना आपको आटे को इसमें। तो यहाँ आप इसको अच्छे से मिक्स करेंगे तो इसमें जो गुठलियाँ वगैरह है ना वो भी अच्छे से इसमें मिक्स हो जाएंगी और गुठलियाँ बिल्कुल भी नहीं रहेंगे। और जब आप गुड़ के मतलब मालपुए कभी भी बनाएंगे तो आप इस चीज़ को ज़रूर से ट्राई करना। देखिए इसमें बहुत ही अच्छी, जैसे ही हमने इसमें आटा मिक्स किया तो इसमें बहुत ही अच्छी खुशबू सी आ रही, मतलब खुशबू आ रही है, जैसे कि गुड़ की अलग ही एक खुशबू रहती है, मतलब बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है हमें। तो ये बैटर थोड़ा सा गाढ़ा है अभी, तो थोड़ा इसको हम थोड़ा सा इसमें पानी ऐड कर देते हैं। थोड़ा सा गाढ़ा है इसलिए हमने थोड़ा सा नहीं सॉरी हमने यहाँ दूध ऐड किया, पानी नहीं डाला, थोड़ा बोलने में हो जाता है। दूध डाल करके इसको फिर से अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। वैसे फ्रेंड्स अगर आप मतलब जैसे आपको गाढ़ा लगे तो आप इसमें थोड़ा सा, देखिए हमने जिस तरीके से दूध ऐड किया उस तरीके से आप भी इसमें दूध ऐड कर सकते हैं। और अगर आपको थोड़ा सा पतला लगे तो आप इसमें आटा या फिर मतलब जिससे भी आप बना रहे वो थोड़ा ऐड कर सकते हैं। तो अभी के लिए हमारे इस बैटर को हम इस तरीके से रहने देते हैं, अगर लगेगा गाढ़ा है तो और हम बाद में इसमें दूध ऐड कर लेंगे। तो पहले इसके आगे की जो तैयारी है वो सारी हम एक बार में कर लेते हैं। तो यह देखिए हमने इसमें एक चम्मच ये सूजी ली है, एक चम्मच इसमें डालेंगे हम सूजी और आधा चम्मच से भी कम इसमें डालेंगे हम ये सौंफ का पाउडर। थोड़ा सा डालेंगे हम इसमें इलायची, तो इलायची का पाउडर भी हमने इसमें डाला है। और इलायची का पाउडर आप जरूर से डालें, इससे क्या है ना बहुत ही अच्छी मतलब आपके मालपुए में मतलब बहुत अच्छी खुशबू आएगी। और एक मतलब जब आप बना करके तैयार करेंगे उसके बाद भी इसकी मतलब बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है खाने में भी। तो ये सब चीज़ें आप इसमें ज़रूर से डालें जो भी हमने डाली है। आप सूजी को इसमें स्किप कर सकते हैं, आप आटे से ही बनाना चाहें तो बना सकते हैं, आटे से भी ये बहुत ही अच्छे बनेंगे। वैसे हमने सूजी भी इसमें ज़्यादा नहीं डाली है, एक ही चम्मच डाली है, वो भी हमने ज़्यादा फुल भर के नहीं डाला था। और यह थोड़ा बैटर गाढ़ा लग रहा था तो इसीलिए हम थोड़ा सा दूध और डाल देते हैं, क्योंकि सूजी भी डाली हमने इसमें तो सूजी भी थोड़ा सा फूलेगी। तो मालपुए थोड़े पतले बैटर के ही बनते हैं, आपको भी मतलब इन सब चीज़ों का पता होगा। मतलब मालपुए जितने पतले बैटर के बनते हैं ना उतने ही ज़्यादा अच्छे रहते हैं वैसे। तो देखिए दोस्तों ये हमारा बैटर बन चुका है, एक बार आपको चम्मच से भी हम दिखा देते हैं। तो देखिए आपको चम्मच से बैटर को थोड़ा सा एक बार चेक कराते हैं। इसको थोड़ी देर के लिए हम रख देंगे, तब तक के लिए रेस्ट के लिए, तब तक हम आगे की तैयारियां कर लेंगे। इसको थोड़ी देर 5 मिनट के लिए आप इसको रेस्ट के लिए छोड़ दें, ताकि हमने सूजी भी डाली है तो वो अच्छे से फूल जाएगी। तो चलिए इसको 5 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख देते हैं। तो यहाँ अब हम चेक कर लेते हैं हमारे बैटर को, 5 मिनट हो चुकी है, तब तक हमने आगे की तैयारियां कर ली थी।
तो बैटर को एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अगर आपको इस स्टेज पे लगे कि बैटर आपका गाढ़ा है तो आप इसमें थोड़ा सा दूध और डाल सकते हैं। अभी हम चलते हैं इसको बनाने के लिए। तो यह देखिए दोस्तों, यहाँ हमने गैस के ऊपर एक पैन में तेल गर्म होने के लिए रख दिया है, और इस तरीके का आपका थोड़ा सा फैला हुआ पैन लेना है। तो इसी में आपके मालपुए थोड़े अच्छे से बन करके तैयार होंगे फ्रेंड्स। तो एक बार हम इसमें थोड़ा सा बैटर डाल करके चेक कर लेंगे तेल गर्म हुआ है या नहीं अच्छे से। तो तेल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है फ्रेंड्स। तो यह देखिए बैटर में हम एक चुटकी खाने वाला सोडा, ये देखिए एक चुटकी, ये देखिए इसको डाल करके हम मिक्स कर लेंगे। ज़्यादा बिल्कुल नहीं डालना आपको, बिल्कुल एक चुटकी जो कि हमने डाला अभी थोड़ा सा, इसको डाल करके मिक्स कर लेंगे। ये हम पहले डालना भूल गए थे, जैसे कि आप बनाने जाए तब आप इसको डालना है, जब आपको इसको रेस्ट के लिए रखना है तब आपको इसको नहीं डालना है, जब आप इसको बनाने जा रहे हैं ना तभी आपको इसको तुरंत डाल लेना है। तो देखिए हम इसको मिक्स कर लेते हैं और फिर हम बनाते हैं हमारे मालपुए। तो चलिए इसको हमने मिक्स कर लिया, अब बनाते हैं मालपुए हमारे। तो यह तेल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है फ्रेंड्स, तेल हमारा बहुत ही अच्छे से गर्म हो चुका है। तो अब यह गैस को हमने बिल्कुल स्लो कर दिया क्योंकि इसमें मालपुए डालेंगे तो ये मतलब तुरंत ही मतलब अच्छे से सिकने लग जाएंगे, इसलिए अंदर से कच्चे रह जाएंगे और तुरंत ही मतलब ये सिकने लग जाएंगे। तो इसलिए आपको मालपुए को मतलब तो तेल अच्छे गर्म हो जाए तो आप उसको थोड़ा स्लो कर सकते हैं गैस को। तो देखिए इस तरह से एक धार में आपको बैटर को डालते जाना है। एक बार में हम इसमें बनाएंगे चार मालपुए, आराम से बन जाएंगे इसमें चार मालपुए। देखिए बैटर को आपको बिल्कुल इसमें फैलाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सॉरी, हम इसमें तीन ही मालपुए डालते हैं क्योंकि अगली बार में हम थोड़ा ज़्यादा डाल देंगे, एक बार में थोड़ा सा अंदाजा हो जाता है कि इसमें कितने मालपुए जाएंगे। अब यहाँ गैस की फ्लेम को हम मीडियम रख देंगे और मीडियम गैस की फ्लेम पर ही आपको इनको अच्छे से पका लेना है। तो चलिए एक बार हम चेक करते हैं हमारे मालपुए को। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ मतलब बैटर थोड़ा सा गाढ़ा है तो थोड़ा सा दूध डाल करके और इसको हम बैटर को पतला कर लेंगे क्योंकि देखिए माल मतलब दूध से ही बनाया है तो इसको दूध से ही बनाएंगे। वैसे अच्छे बने मतलब इतने भी कोई ज़्यादा वो नहीं बने, लेकिन थोड़े से पतले और थोड़े से मतलब चौड़े मालपुए हमें बनानी है तो इसलिए हम थोड़ा सा इसमें दूध डाल करके बैटर को हम तैयार कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए दोस्तों मालपुए हमारे बिल्कुल अच्छे से ये सीख चुके हैं, मतलब देखिए अच्छे से ये फ्राई हो चुके हैं, मतलब तेल में मालपुए को आप यहाँ आपको अच्छे से सेक लेना है, इसमें कलर वगैरह डालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको कोई भी, वैसे मालपुए में कलर डालते भी नहीं है। थोड़ा इसको हम इस तरीके से थोड़ा सा हल्का सा दबाते हुए निकाल लेंगे तो एक्स्ट्रा जो तेल है ना वो निकल जाएगा मालपुए में, मतलब ज़्यादा तेल नहीं आएगा। ये देखिए आप देख करके बताइए कितने अच्छे मालपुए बने वैसे। तो इसमें ऑयल हमें बिल्कुल भी नहीं रखना है, इस तरह से आप दबाते हुए निकालेंगे ना तो इनका ऑयल बिल्कुल अच्छे से निकल जाएगा। और देखिए फ्रेंड्स हमारे गुड़ के मालपुए कितने अच्छे बने हैं, आपको देखने से ही पता चल रहा होगा। तो देखिए दोस्तों ये हमारे मालपुए बन चुके हैं, आपको देखने से पता चला। वैसे मुझे ये वाले मालपुए बहुत ही ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, लेकिन इससे थोड़े से बड़े वाले बनाने तो इसलिए थोड़ा बैटर को पतला कर लिया है हमने, लेकिन ये वाले मालपुए मुझे बहुत ही अच्छे लग रहे हैं दिखने में। देख सकते हैं आप कितने अच्छे दिख रहे हैं फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छे मालपुए बन रहे हैं। वैसे अब चलते हैं, थोड़ा हमने बैटर को पतला तो कर ही लिया है तो बनाते हैं। तो चलिए दोस्तों फिर से बनाते हैं हमारे मालपुए। तो देखिए इस तरह से आपको डालना है बैटर। फिर से हम इसमें डाल देते हैं बैटर को।
तो एक बार में हमने यहाँ दो मालपुए के बैटर डाल दिए थे, पहले हमने तीन बनाए थे, लेकिन अब यह बैटर को थोड़ा हमने पतला कर दिया था, थोड़ा सा ज्यादा मतलब जगह रोक लेगा, तो इसीलिए हमने यहाँ दो ही मालपुए डाले हैं। तो दोस्तों ये मालपुए देखिए हमारे, ये भी बहुत अच्छे बने। तो ये थोड़ी सी क्या है ना, हल्के से थोड़े चिपक जाते हैं, तो आप इनको इस तरीके से थोड़ा सा निकाल लेना किसी भी पलटे से। मतलब ये पता नहीं मतलब गुड़ की वजह से या फिर क्या, लेकिन इससे देखिए बहुत ही अच्छे से निकल जाती है, वैसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा सा इसको निकालना पड़ता है। तो देखिए ये हमने जो बैटर थोड़ा सा पतला कर दिया था उसके ये वाले मालपुए हैं। वैसे हमारे पहले वाले मालपुए मुझे तो बहुत ही अच्छे लग रहे थे फ्रेंड्स। देखिए गुड़ का मतलब गुड़ से मालपुए बनाएंगे तो इसका देखिए एक अपना ही ये कलर कितना अच्छा आ रहा है। तो देखिए दोस्तों ये मालपुए भी हमारे अच्छे से बन चुके हैं, तो इनको भी हम इस तरीके से इनका थोड़ा तेल निकालते हुए इनको भी निकाल लेते। इस तरह से निकालेंगे तो इसमें बिल्कुल तेल नहीं रहेगा आपके मालपुए में। देखिए दोस्तों कितने अच्छे ये वाले मालपुए भी बहुत ही अच्छे बने, मतलब दोनों तरीके के मालपुए। तो ये देखिए फ्रेंड्स ये हमारे गुड़ के मालपुए बन करके तैयार हो चुके हैं। फ्रेंड्स देखिए कितने अच्छे, देखिए हमारे ये गुड़ के मालपुए बने, आपको देखने से देखिए पता चल रहा होगा। और ये बिल्कुल भी कड़क नहीं है, बिल्कुल सॉफ्ट है। देखिए ये जो हमने पहले पहले बनाए थे ना शुरू में वही है ये, उसके बाद तो जो बनाए वो आपके सामने हैं। तो देखिए आपको तोड़ के भी दिखाते हैं, देखिए बिल्कुल, देखिए देख सकते हैं बिल्कुल सॉफ्ट है, बिल्कुल भी ये कड़क नहीं हुए हैं। बहुत ही अच्छे गुड़ के आपके मालपुए बनेंगे। और जो हमने शुरू में तीन बनाए थे इस तरीके के, हमने शुरू में तीन बनाए थे तो ये एक ही बचा है, दो बच्चों ने खा लिया था, तो बहुत अच्छे बने, आपके बच्चों फैमिली को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएंगे। और पसंद आए वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, मुझे आगे बढ़ने में सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ फ्रेंड्स चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं अगली रेसिपी में, तब तक के लिए रेसिपी देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स, थैंक यू।